हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सेहत पसंद रेसिपीज में। आज हम बना रहे हैं दम आलू की सब्जी। प्याज और टमाटर के साथ आपने दम आलू की सब्जी कई बार खाई होगी, पर आपने क्या बिना प्याज और टमाटर के कश्मीरी स्टाइल में दम आलू कभी खाया है? तो आज हम वही बनाएंगे। तो सबसे पहले आलू को उबालने के लिए रख देते हैं। उसके लिए हमें चाहिए 15-20 छोटे आलू। अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा पानी और इसे अब गैस पे रख दिया है और एक सीटी आने के बाद इसे बंद कर देंगे। तो अब पैन ले लेंगे और इसमें अब डालेंगे 1 चम्मच खड़ा धनिया, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 2 लौंग, 7-8 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 2 हरी इलायची और 1 दालचीनी और इन्हें हम भून लेते हैं। खड़े मसालों को भूनने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसमें डाल देंगे हम 4-5 कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा इसमें हम पानी डाल देते हैं और गैस को बंद कर देते हैं। और यहाँ पर लाल मिर्च के मैंने बीज निकाल दिए थे और अभी हम इसे ठंडा करने के लिए रख देते हैं साइड में। तो आलू को उबालने के बाद इसे ठंडा करके छील लिया है और अब इस पे इस तरीके से आपको कांटे से छेद करने हैं जिससे अच्छे से इसके अंदर ग्रेवी चली जाए। और इसमें अब हम डाल देते हैं आलू को। तो यहाँ पर मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। और इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे जिससे बहुत ही अच्छी एक लेयर इन आलूओं पर आ जाएगी। बीच बीच में से हिलाते रहें। जब तक आलू फ्राई हो रहे हैं तब तक हम इन मसालों को पीस लेते हैं और इनका पेस्ट बना लेते हैं। और ये यहाँ पर अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं तो अभी इन्हें हम निकाल लेते हैं। और अब हमें लेना है 1 कप दही, ये फ्रेश ही होना चाहिए। और अब इसमें हम ये हमारा पेस्ट डाल देंगे तो इसे हमें छानना है। इस सब्जी का जो टेस्ट है ना वो हल्का सा तीखा और खट्टा होता है। और अब इसे हमें अच्छे से फेंट लेना है। अच्छे से हमने इसको बढ़िया से फेंट लिया है तो इसे भी रखते हैं साइड में और हम इसका बघार लगा लेते हैं। तो तेल मैंने यहाँ पे निकाल लिया है और 3 बड़े चम्मच तेल रहने दिया है। तो सबसे पहले हम डालेंगे तेज पत्ता, 1/4 छोटी चम्मच हींग, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच अदरक का पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अगर आपको तीखा ज्यादा पसंद हो तो आप इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और डाल दें। 5 से 10 सेकंड के लिए इन्हें सोटे कर लेते हैं। और अब इसमें हम डाल देते हैं हमारा दही का पेस्ट और इसे आपको कंटिन्यूसली हिलाना है। साथ ही में हम थोड़ा सा पानी और इसमें डाल देते हैं। इसे आप कंटिन्यू हिलाते रहें क्योंकि अभी दही अगर आपने हिलाया नहीं तो ये फटने लगेगा, इसलिए जब तक इसमें एक उबाल नहीं आ जाता तब तक आप इसे हिलाते रहें। और अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक भी डाल देंगे और ये देखिए अब इसमें एक उबाल आ गया है। तो अब इसमें हम डाल देंगे हमारे फ्राई पोटैटो और अब इसे हम ढककर 10 से 12 मिनट तक लो फ्लेम पर कुक होने देते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है और बहुत ही बढ़िया हमारी दम आलू की सब्जी बनके तैयार हो गई है। तो गैस को भी हम कर देते हैं बंद और इसे हम बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए हमारी दम आलू की सब्जी तैयार हो चुकी है। आप इसे जरूर बनाएं और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इसे शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।